सर स्ट्राइक करो। अरे धीरेन जी को बुलाओ। कुछ लोग आगे आके बैठ जाओ, कुछ लोग आगे आके बैठ जाओ। कोई नहीं बस सब लोग। अरे धीरेन जी को बुलाइए प्लीज। चौबे जी को बुलाइए भाई। पूर्णिमा जी धीरेन जी का बुलाओ ना, बुलाओ। अरे पहले बुला लो, फोटो हो जाए। मनोज जी उधर बैठ जाइए आप। हाँ वही तो हो जाएगा। और हैप्पी वैलेंटाइन डे सब लोग इधर। जनवरी है, फरवरी एक महीने एडवांस पहले बोल देता हूँ, फिर भेटाएंगे कि नहीं भेटाएंगे। इसलिए आप सबको मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामना। बैठना है रंजीत, बैठना तरफ से जो भी कमियां हुई है, जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और लेकिन हर चीजों से झेल कर आप लोगों ने इसको पूरा किया। आप लोग नहीं आएंगे लगता है, बधाई के पात्र है। नहीं आएंगे लगता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया ताकि ये फिल्म आज एक अच्छी फिल्म बन गई। देव पांडे जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। आइए इधर बैठिए, कम बैक टू सी डाउन। देव जी के लिए एक बार क्लैप क्लैप। बहुत अच्छा। आए आए आइए सर, आइए। क्या बेच रहे हैं उधर? इधर आइए। आइए सर, सर हीरो हीरोइन के बीच में इधर और नहीं नहीं बुजुर्गों को आगे बैठाइए। मैं कहना दूंगा एक फोटो खींचना मैं चाहूंगा। ए इधर आओ, बैठ जाना भाई, बैठ जाना भाई। हां पंकज और लाइट काट के फोटो ना भैया। ए पांडे भाई, ये देखो पांडे भाई आया। पांडे कर रहा लाइट। अरे बबलू, हेलो बबलू। संजय, ए संजय, संजय उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। पंकज हेलो। सब कौन आया? मुझे बैठ जाओ। कमल जी आइए, कमल जी आइए। सबसे पहले दौड़ा महाराज। सबसे पहले मैं फिल्म बाबरी मस्जिद की यूनिट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंदर अंदर अंदर। जिन लोगों ने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस फिल्म को पूरा किया है, उसके अलावा इस फिल्म के हीरो खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी हीरोइन को भी मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे बिना टेंशन दिए काम किया। इसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं बजा सकता, मेरे हाथ में लड्डू है, चीता है। इस फिल्म से जुड़े हुए सभी पात्र, खासकर डायरेक्टर साहब, डांस मास्टर कमल यादव, प्रिंस जी, इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी प्रोड्यूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार करें जिस तरह का मेरे साथ। मैं इन लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। किया क्या है तो बता दीजिए। इन लोगों का व्यवहार जो रहा है इतना सॉफ्ट रहा है, लोग वाग इन सबको प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हैं सबको बदनाम करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके पात्र हीरो और हीरोइन से लेकर पूरी यूनिट होती है। जब ये लोग सब इकट्ठे होकर काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, तो एक अलग फिल्म बनके तैयार होती है, जिस तरह से ये बाबरी मस्जिद तैयार हुई है। उसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम्हें। और मैं एक घोषणा भी करता हूँ कि हम खेसारी जी के साथ बहुत जल्द एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी खेसारी जी से डेट मिलते ही हम उसकी शूटिंग भी शुरू कर देंगे। उस फिल्म का मुहूर्त बहुत जल्द बॉम्बे में आप लोगों के सामने, जैसे ही खेसारी जी डेट दे देंगे हम लोग करने जा रहे हैं। और खेसारी जी को एक बार पुनः बधाई इसके लिए, और काजल राघवानी भी होंगी संभवतः, लेकिन ये सब बात में बताएंगे कौन हीरोइन है, आज नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में फिर खेसारी लाल हो गए। एक बार तालियां। खेसारी जी लग रहा है जिस तरह शपथ ग्रहण में पहले से लिख कर नहीं दिया जाता है, वैसा ही लिख कर लाए थे, भुनेटी में यह लिख रहे थे का।
नहीं एक्चुअली यानी इनका अनुभव है और इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है और बहुत एक्टरों के साथ इन्होंने काम किया है। मेरे साथ ये दूसरी फिल्म है नागिन था और ये दूसरी मूवी है। तो बाकी एक्टरों के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ज़्यादा टाइम लेकर काम किया है। इसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, कोशिश किया एक अच्छी फिल्म बने। देव जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बड़े सॉफ्ट हैं, वो सॉफ्ट माने नरम नरम पीछे हैं। और कमल जी का तो व्यवहार का जवाब नहीं है। हाँ कमल जी तो बहुत सॉफ्ट हैं, इतना सॉफ्ट है कि जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है। और सारे टेक्नीशियन सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को और मुझे खास करके आप लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपका कर्जदार हूँ, आपका भाई हूँ और आप लोग भाई मानते हैं, इसलिए मुझे मजा आता है कि चलिए इतने सारे लोग मेरे भाई हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू पूरे टीम बाबरी मस्जिद की। कौन कुछ कल से शुरू कर देते हैं? कल से स्क्रिप्ट पे बैठ जाते हैं, कल से स्क्रिप्ट पे बैठेंगे, छह महीने बाद करे सात महीने बाद, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। बहुत अच्छी बनाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बनाएंगे। डायरेक्टर साहब कुछ बोलना चाहो? सबको दिल से धन्यवाद। गलती से बाबरी मस्जिद का डायरेक्टर देव पांडे बोल रहा हूँ। सबसे पहले आशीर्वाद देना चाहूंगा माँ केला देवी फिल्म का, धीरेन्द्र चौबे जी का, मेरे हीरो हीरोइंस, मेरा मास्टर ऋतिक गुप्ता कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना और मेरा कैमरामैन ग्रेट सिनेमाटोग्राफर प्रिंस आर आर प्रिंस। अभी सरदार की भूमिका में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे ये बिहार से हैं। नाम है प्रिंस, मास्टर रियाज सुल्तान। मेरा प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कमल यादव जी, मेरे लाइट मैंस, मेरे कैमरा अटेंडेंट्स, कैमरा सप्लायर और जिसका सबसे आखिरी नंबर आता है वो मेरे दिल में मेरे सर पे सबसे ऊपर है, जो मेरी पूरी यूनिट के 150 लोगों की सेवा में सुबह 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक खाना पीना नाश्ता चाय देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको स्पॉट बॉय नाम दिया जाता है, लेकिन सच्चे दिल से पूरी फिल्म की बनाने की प्रक्रिया में अगर वो 6 से लेके 8 तक रहते हैं, उनकी पेमेंट भी सबसे कम होती है, अगर वो ना रहें तो शायद ये फिल्म बनाना बहुत असंभव चीज है। चाहे वो हीरो के बॉयज हो, मेकअप मैन हो या हीरोइन के मेकअप मैन बॉयज हो, ये सब लोग इतने दिल से लगे रहते हैं दिन रात, तभी हमारा ये सिनेमा खूबसूरत दिखता है और खूबसूरत बनता है। बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की, लिरिक्स राइटर की। आज हमारे बीच में हमारे लिरिक्स राइटर पवन पांडे जी हाजिर हैं और इन सारी चीज़ों को कैनवास पे लाना, मीडिया में लाना, प्रिंट मीडिया में लाना, उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है जिसके कर्ता धरता है संजय भूषण पटियाला जी। एक बार खड़े हो जाएंगे ताकि आप लोग देख लेंगे, वो हम ही सारे लोगों को दिखाते रहते हैं, इनको तो दिखते नहीं है। हाँ फेसबुक पे सबसे पहले अपनी फोटो जरूर लगा देते हैं। थैंक यू, लव यू। कौन नाम है, क्या कौन है? थैंक यू। इनका फोटो आना चाहिए बाबू। इस यूनिट से जुड़े हुए बहुत से लोग रह गए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बहुत से लोगों का नाम मैं जानता भी नहीं हूँ और संजय भूषण पटियाला ने इसका पीआरओशिप किया है, उनको भी तहे दिल से मैं बधाई। और हमारे कस्ट्यूम डिजाइनर सभी लोगों मैंने मांग लिया, हमारे ड्रेस मैन, मैं वीरेंद्र सर एंड हमारे डायरेक्टर सर देव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज मूवी कंप्लीट हुआ है हमारा एंड मेरे सारे ग्रुप, मेरे सारे टेक्नीशियंस एंड मेरे को स्टार सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बैक किया इतने दिन। सो थैंक यू सो मच एंड मैं सारे स्पॉट दादा, मेरी लाइट दादा सबको मैं, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो या डायरेक्टर सर, प्रिंस सर, किसी को भी मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वेरी सॉरी उसके लिए एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। ओके हैप्पी जर्नी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीडिया के सभी लोगों को यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई लड्डू या के लोड का लड्डू खाइए।